प्रकृति एक कठोर वातावरण है जिसमें जानवरों को अपने जीवन के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। अधिकांश समय जंगली जानवर जानते हैं कि वे किससे लड़ सकते हैं और उन्हें हर कीमत पर किससे बचना चाहिए। दूसरी ओर पशु अति आत्मविश्वासी हो सकते हैं और गलत प्रतिद्वंद्वी के साथ उलझ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यह जिज्ञासु कुत्ता केवल कंगारू के साथ खेलना चाहता था, लेकिन वो लगभग इस प्रक्रिया में कंगारू द्वारा पिट जाता है। इस जिज्ञासु कुत्ते ने कंगारू द्वारा पीटने के बाद इलेक्ट्रिक ईल पर हमला करने और बुरी तरह से बिजली के झटके से कुछ तो सीखा। कुछ बिल्लियां बहादुर दिखाई देती हैं और उन्हें बड़े जानवरों से कभी खतरा नहीं होता है, जैसे यह बिल्ली भालू को भगा देती है। बिल्लियां अपने छोटे आकार के बावजूद सबसे आत्मविश्वासी जीवों में से एक है। यह बिल्ली बाघ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। मनुष्यों के लिए न केवल अपने परिवारों की रक्षा करना और उनकी देखभाल करना महत्वपूर्ण है, यह भी एक नियम है जो इस दुनिया में कई जानवरों पर लागू होता है। जब इन बबून ने देखा कि उनके परिवार के सदस्यों में से एक पर एक बड़े मगरमच्छ ने हमला किया है, तो वे सभी राक्षस से लड़ने और अपने साथी को बचाने के लिए शामिल हो गए, जिसे सहायता की गंभीर आवश्यकता थी। जब वो 20 जंगली कुत्तों के एक बैंड पर आई तो यह अकेला लकड़बग्घा घबरा गया और मदद के लिए भीख मांगने लगा। जहां तक संभव हो ध्वनि को फैलने देने के लिए उसने विलाप करने से पहले अपना सिर जमीन पर झुका लिया। जब बैकअप आया तो जंगली कुत्तों को एहसास हुआ कि उनके पास कोई मौका नहीं है और वे बोल्ड हो गए। कई शेरों द्वारा उसे मारने का प्रयास करने के बावजूद वो प्रतिरोध करने और जीवित रहने में सक्षम था, साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण नुकसान भी पहुंचाया। दो भूखे शेरों ने मिलकर एक भैंस का शिकार किया, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि भैंस के भी साथी हैं। क्या होता है जब आप शेरों से खाना चुराते हैं? यह लकड़बग्घा कठिन रास्ता खोज लेता है, जैसा कि यह नर शेर प्रदर्शित करता है। इस शेर को लकड़बग्घे ने घेर लिया था और अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए उत्सुकता से सहायता के लिए चिल्लाया। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद उसका पैक अंततः आता है और उसे बचाता है। जब एक सुस्त भालू अपने अधिकार का प्रदर्शन करने के लिए खड़ा होता है तो एक अति आत्मविश्वासी बाघ उस पर चुपके से पछताता है। इस बंदर ने दो बाघों को नीचे झुकाकर और उनके कान निचोड़कर धमकाने का फैसला किया, जिससे साबित होता है कि इंसान ही एकमात्र ऐसी प्रजाति नहीं है जो ट्रोल करने में सक्षम है। यह हमेशा सबसे बड़ा होने के बारे में नहीं है, आप में भी आत्मविश्वास होना चाहिए, जैसे कि यह बत्तख हिंसक बाघों के झुंड के साथ व्यवहार करते समय करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि बत्तखों को बाघों के साथ खेलने में मजा आता है, क्योंकि यहाँ आकार पर आत्मविश्वास की जीत का एक और उदाहरण है।
वही बत्तख नए स्थानों की यात्रा करने और बाघों को छेड़ने का आनंद लेती है। ये चीता शावक भोजन के लिए एक नवजात वॉथोग के बाद थे और जब तक वॉथोग के हिंसक माता पिता ने हस्तक्षेप नहीं किया और इसके बजाय चीतों का पीछा करना शुरू कर दिया, तब तक उनका शिकार करने की कोशिश की। इस छोटे से तेंदुए के शावक को एक भूखे लकड़बग्घा ने पकड़ लिया और अपनी जान बचाने के लिए भागने को मजबूर हो गया। सौभाग्य से एक आसम पेड़ और इसकी अद्भुत चढ़ाई क्षमता ने इसे मृत्यु से बचा लिया। जब इस भैंस ने एक शेर को झाड़ियों में दुबके और हमला करने की तैयारी करते देखा तो उसने पहले हमला करने का विकल्प चुना। जब हाइना गिरोह में लड़ते हैं तो वे अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हो जाते हैं। जब वे इन शेरनियों से भोजन हथियाने की कोशिश कर रहे थे तब वे वापस लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दुश्मनों को पता था कि जंगल के राजा उनकी सहायता के लिए आने पर उन्हें पीछे हटना होगा। हमारे पास एक गैंडा है जो सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं है। इस गैंडे ने एक पूरी तरह से अन्य वजन विभाजन में एक प्रतिद्वंद्वी को चुना और हाथी को इसे एक संदेश देना था और प्रदर्शित करना था कि घास के मैदान का असली शासक कौन है। टिप्पणियों में हमें बताएं कि इनमें से कोई भी वीडियो आपका पसंदीदा था या नहीं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।